आज हम लोग साइकेटिक नर्सिंग के अंदर आर्ट थेरेपी के बारे में डील करेंगे कि आर्ट थेरेपी क्या होता है, इसका क्या यूजेज है। तो आर्ट थेरेपी एक ऐसा थेरेपी है जिसमें क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आर्ट करा कर या आर्ट देकर वह क्या कर सकते हैं, उनकी फीलिंग्स होगा पता लगा सकते हैं, उनके थॉट्स का पता लगा सकते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, आर्ट थेरेपी। मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरीके के आर्ट्स का यूज़ करते हुए हम पेशेंट की फीलिंग्स, थॉट्स, आइडिया का क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, आर्ट थेरेपी। यहाँ पर लिखा है आपका बेरिड फॉर्म ऑफ आर्ट टू एक्सप्लोर हिडन आइडिया, थॉट्स और फीलिंग ऑफ एन इंडिविजुअल। मतलब जो भी एक इंडिविजुअल उसकी जो हिडन आइडियाज़ हैं, थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। किसकी हेल्प से, आर्ट्स की हेल्प से। मतलब डिफरेंट डिफरेंट आर्ट्स एक्टिविटीज़ परफॉर्म करा कर, जैसे कि कोई ड्राइंग करा कर, पेंटिंग करा कर, या डिफरेंट डिफरेंट का कुछ भी बना कर, या कोई भी स्ट्रक्चर कुछ भी फॉर्म करा कर, हम क्या कर सकते हैं, उसकी आइडियाज़ और थॉट्स एंड फीलिंग्स को क्या कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, आर्ट्स थेरेपी। नेक्स्ट हम देखते हैं यूजेस, कि आर्ट थेरेपी के क्या क्या यूजेस हैं और इसे हम किस तरह से दे सकते हैं। तो आर्ट थेरेपी के, आर्ट इज़ ए सिग्निफिकेंट इंडिकेटर ऑफ पर्सनैलिटी पैटर्न। आर्ट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी का पता लगा सकते हैं कि किस टाइप की उसकी पर्सनैलिटी है, किस टाइप का उसका बिहेवियर है, किस टाइप की उसकी साइकोलॉजी, उस सारी चीज़ों का हम क्या कर सकते हैं, ईजिली पता लगा सकते हैं। किसकी हेल्प से, आर्ट थेरेपी की हेल्प से। नेक्स्ट आपका रिड्यूस सैडनेस। अगर जो भी उसके अंदर सैडनेस है उसको हम क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। किसकी हेल्प से, आर्ट थेरेपी की हेल्प से। कुछ पोइट्री लिखकर, कुछ अपने आर्ट में क्या कुछ लिखने की स्टोरी लिखना, ये सारी चीज़ें भी एक आर्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपका मूव्स द पीपल्स इमोशनली टू प्रोग्रेस इन टू डील। तो हम क्या कर सकते हैं, क्या मूव कर सकते हैं उनको कहाँ से, इमोशनली टू प्रोग्रेस डील। तो मतलब वो इमोशनली क्या उनको इम्प्रूव कर सकते हैं, और वो जो इमोशनली डिस्टर्ब है वो उससे क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं, उनसे फेस कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। किसकी हेल्प से, आर्ट थेरेपी की हेल्प से। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या, हेल्प इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ये क्या करता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो आर्ट की हेल्प से या आर्ट की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल की जो पर्सनैलिटी डिस्टर्ब होगी हम उस पर्सनैलिटी को क्या कर सकते हैं, प्रॉपरली डेवलप कर सकते हैं, उसके बिहेवियर को डेवलप्ड कर सकते हैं, उसकी पर्सनैलिटी को चेंज कर सकते हैं। किसकी हेल्प से, आर्ट की हेल्प से। नेक्स्ट हम देखते हैं इनहेंस फाइन मसल्स कोऑर्डिनेशन। इसकी हेल्प से जो मसल्स का जो कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा उसको हम क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, या प्रॉपर गुड मसल कोऑर्डिनेशन को क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, मेंटेन करके रख सकते हैं। किसकी हेल्प से, आर्ट थेरेपी की। जैसे कि म्यूजिक, डांस करना या कुछ भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उसके अंदर मसल्स कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट में क्या है आपका, डेवलप कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस को क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। मतलब जो भी पेशेंट है उसके कॉन्फिडेंस को डेवलप कर सकते हैं। किसकी हेल्प से, आर्ट थेरेपी की हेल्प से। तो ये कुछ इसके यूजेस हैं। तो आर्ट थेरेपी क्या होता है, एक ऐसा मेथड है, एक बैरियर ऐसे मेथड है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट की फीलिंग्स, थॉट्स, आइडियाज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं, और उसके बारे में अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, और उसकी प्रॉब्लम को मिनिमाइज कर सकते हैं। हमने उसके यूजेस देखे, तो हम उसकी पर्सनैलिटी के पैटर्न का पता लगा सकते हैं कि किस टाइप की पर्सनैलिटी है, उसका पता लगा सकते हैं। देन उसकी जो सैडनेस है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। देन हमने क्या किया, वो इमोशनली कंडीशन से डील कर सकता है, जो भी इमोशनल प्रॉब्लम्स उनके साथ डील कर सकता है, पर्सनैलिटी को डेवलप्ड कर सकते हैं, उसकी जो मसल्स कोऑर्डिनेशन को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, अच्छे से मसल कोऑर्डिनेशन होने में कराने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आपका कॉन्फिडेंस को डेवलप्ड करने में, और सोसाइटी के साथ अच्छे से एडजस्ट होने में, अच्छे से बिहेव करने में हेल्प करता है। तो आज हम लोगों ने क्या, आर्ट थेरेपी के बारे में डील किया। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। अगर इस टॉपिक से रिगार्डिंग और आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। इस टॉपिक या अदर टॉपिक्स के नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक पर क्लिक करें और ऐप को डाउनलोड करें। थैंक यू।